मेरा नाम मिसेज दिनिश इरफान है और मैं पिशावर डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग पीटीआई की। और अभी तो माशाल्लाह यहाँ से हज़ारों की तादाद में रजिस्ट्रेशंस हो गई हैं, बुकलेट्स की बुकलेट्स निकल गई हैं। और सिर्फ मेल्स नहीं, यहाँ माशाल्लाह से फीमेल्स ने इतनी ज़्यादा, मैंने खुद भी करवाई है और हमारी पूरी फैमिली ने भी फीमेल्स ने करवाई है। अच्छा ये बताएं कि पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने कहा कि ख्वातीन जेलों में नहीं जाएंगे, मर्द जाएंगे, क्या समझते हैं ये, इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, क्या ख्वातीन को कमज़ोर समझा जाता है या क्या वजह है कि वो कह रहे हैं कि ख्वातीन नहीं जाएंगे? ये तो हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए हमारी पार्टी की जो क़यादत है उनके, उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। ऑल दो वी आर स्टैंडिंग विद देम, हम उनके साथ खड़े हुए हैं शाना बाई शाना, लेकिन उन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी है। सारी फीमेल्स ने, काफ़ी फीमेल्स ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन क़यादत ने ये कहा है, हम उनकी दिल से इनकी बात को ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। बल्कि ये तो सारे आप देख रहे हैं कि पीके में हर बंदा जो है तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने खुद से कहा कि जो फीमेल्स हैं तो वो नहीं जाएंगी और फीमेल्स खुद तैयार हैं जाने के लिए। खान साहब को रोज़ाना आज गिरफ्तार कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, ये जो बेसिकली लोगों को डराना चाहते हैं जेलों से, हम ये इनको साबित करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जेल से डरने वाले नहीं हैं। अगर ये आप समझते हैं कि जी ये राणा सनाउल्ला या जो भी है वज़ीर आज़म है वो कहते हैं कि जी हम इनको जेलों में डाल देंगे, ये चुप हो जाएंगे, ये खामोश हो जाएंगे, ये इलेक्शन का मुतालबा नहीं करेंगे, तो हमने इन्हें ये साबित करना है कि हम सारे हाजिर हैं। कल आप देखेंगे इंशाल्लाह 11 बजे गुलबहार थाने के सामने जितने भी हमारे जेल भरो तहरीक के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है वो कल पहुंचेंगे, और अगर इनको बहुत शौक़ है गिरफ्तारियों का तो गिरफ़्तार कर लें, हम सबको कर लें।